आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं iPad 5th जनरेशन का। ये 9.7 ऑलमोस्ट 10 इंचेस का एक iPad है और ज़्यादातर लोगों के प्राइस ब्रैकेट में आता है। पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या होती है, इसमें PUBG और इसके कैमरास कैसे हैं, और ये iPad 2024 में कैसा निकल कर आता है, आपको लेना चाहिए या नहीं, तो ये पता करने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है iPad 5th जनरेशन 2017 के ऑलमोस्ट ये लॉन्च हुआ था। 9.7 इंचेस का ये iPad है, काफ़ी डिसेंट साइड है। जो बैक है इसकी एलुमिनियम की है और आप देख सकते हैं मेरा कैमरा काफ़ी दूर है लेकिन ये फिर भी फ्रेम में नहीं आ रहा, जो कि iPad का स्टैंडर्ड साइज़ है। और आपको बैक में एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, इस तरह की एक यहाँ पर हुड ये नॉब कह लें वो आती है, देखने में काफ़ी डिसेंट और ठीक ही लगता है। और अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसकी निट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। आप समझ लें कि iPhone 7 प्लस की जितनी स्क्रीन ब्राइटनेस है सेम आपको इसमें मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले 9.7 इंचेस का है, ठीक ठाक डिस्प्ले 2024 में आके आईवुड से जितनी बड़ी ये मशीन है और जितना इसको कैपेबल होना चाहिए था, मुझे वहाँ पर थोड़ी दिक्कत लगी है स्पेशली इसकी परफॉर्मेंस में, वो थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बेजल्स हैं और वहाँ पर आपको फिर भी ठीक ठाक बड़ा डिस्प्ले मिलता है और स्मूथ है, सही चलता है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो उसे स्वाइप करने में भी मेरे हिसाब से इतना स्मूथ नहीं है और सही तरह नहीं चल रहा। और अदरवाइज अगर आप गेमिंग करते हैं या इसमें मल्टीटास्किंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैब खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ना लैग ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे मैं भी गेम बंद करूँगा थोड़ा सा रुका तो यहाँ पर जाहिर सी बात है A9 चिपसेट लगाया गया है जो कि पुराना है। A10 फ्यूजन तो iPhone 7 प्लस में आया था, iPhone 6s वाला इसमें चिपसेट है और इतना बड़ा डिस्प्ले है, प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस पे जो पिक्सल्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट तरीके से पुश कर सके। दैट्स वाई इतना बड़ा डिस्प्ले होने के बाद आपको इसका प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल आज की डेट में नहीं है, जब हुआ था तब तो था। तो ये वजह है यहाँ पर वो इतनी स्मूथली इतने अच्छे से मल्टीटास्किंग या ट्रांजेक्शन नहीं दिखा पाता। अगर टच आईडी की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन टच आईडी देखने को मिलती है जो कि फास्ट इनफ है, आपके आईपैड को आराम से लॉक कर देगी। और आप देख रहे हैं कि एक क्लिक में ये अनलॉक हो रहा है। साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिलता है जिससे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको पावर बटन मिलता है और यहाँ पर आपको 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक मिलता है। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आईपैड कितना पुराना है, iPhone 6s की नस्ल से चलता हुआ आ रहा है, तो ये काफी पुराना हो चुका है। और अगर आप 2024 में इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हाई इंटेंस टास्क करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए वर्थ इट नहीं है। यहाँ पर मैंने सारी गेम्स करके रखी हैं जो कि मॉडर्न टाइटल्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं PUBG, और मैंने PUBG को ऑन किया है और देखते हैं कि PUBG इसमें क्या कर सकती है। यहाँ पर मैं PUBG इनेबल कर चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं PUBG में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं एक नॉर्मल से, अगर आप देखें यहाँ पर बैलेंस और मीडियम में आपको एक अच्छी PUBG करवा देगा। HD में थोड़े से आपको दिक्कत होने वाली है लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप स्मूथ और मीडियम में खेलेंगे तो आपको एक डिसेंट FPS और आपको डिसेंट PUBG करवा देगा जो कि आपको दिल तो नहीं दुखाएगा, लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो लैगिंग का इशू देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम हमेशा बात करते हैं परफॉर्मेंस PUBG गेमिंग के साथ इसकी बैटरी साइज़ की, तो बॉस एक चीज़ जो इसमें सॉलिड है और आपको आईफोन की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है वो है इसका बैटरी साइज। इसमें आपको 8827 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि आपके पूरे दिन के लिए, इवन अगर आप इसमें गेमिंग करते हैं, और ज़्यादातर लोग इसमें गेमिंग के ही लिए इसको बाय करते हैं, अगर आप शोज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपके पूरे दिन के लिए, मैं कहता हूँ पूरा दिन भी नहीं 2 से 3 दिन के लिए इनफ है। इसको मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और बैटरी ऐसी वाही चीज़ है जो कि मुझे शिकायत नहीं मिली। मज़े की बात ये 32 GB और 128 GB के स्टोरेज के साथ आता है, इससे ऊपर भी होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और ये वाईफाई प्लस सेलुलर वाला टैबलेट है, यानी कि यहाँ पर आप सिम भी इनेबल कर सकते हैं। अगर मैं सेटिंग में जाके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल डेटा का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि आप इसमें सिम भी लगा सकते हैं, जो कि इतना प्रोमिनेंट और इतना ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है लेकिन फिर भी ये ऑप्शन आपको इनेबल मिलता है यहाँ पे। इसका एक और वेरिएंट आता है विदाउट सिम वाला, वो इससे ज़्यादा सस्ता है। अगर बात करते हैं कैमरास की फाइनल
जो कि मेन चीज़ होती है एक फ़ोन या आईपैड में। और अगर आप कैमरा देखें तो कैमरा भी आपको आईफोन 6s वाला ही मिलता है यहाँ पर, क्योंकि आईफोन 6s की स्क्रीन छोटी है और सिमिलर कैमरा वहाँ पे अच्छा लगेगा दिखने में। यहाँ पर स्क्रीन बड़ा है, स्क्रीन IPS LCD ही यूज़ हुआ हुआ है, तो वहाँ पर आपको कैमरा बड़ा करके तो दिखा रहे लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही मेरे हिसाब से, और मुझे वो जो आँखों में चीज़ें चुभती है ना वो फील नहीं हो रही। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं, यहां पर अगर फ्रंट कैमरा में जाते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा किस तरह दिखा रहा है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो यहां पर आप देख सकते हैं लाइट के साथ ये किस तरह डिफरेंशिएट कर रहा है। 1.2 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है और जो बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन ठीक है बेडली इनफ है। अगर डे लाइट में देखें तो गुजारा है, अगर इस लाइट में भी देखें तो सही तरह से डिफरेंशिएट कर ही रहा है, गुजारे लाइक है। लेकिन अगर आप सिर्फ आईपैड कैमरा के लिए ले रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पता क्यों लेंगे, जो कि बनता भी नहीं है। लास्ट में अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में 28,000 से 30,000 रुपए का देखने को मिल जाता है इजिली। आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको घर बैठे बाय करना तो आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं, यहां पर आप सिंपली इसको ऑर्डर कर सकते हैं जो कि आपको ऑल ओवर पाकिस्तान घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो ये आईपैड काफी पुराना है, इसमें कुछ ज्यादा बात करने को था नहीं, सिर्फ एक अच्छी चीज है जो इसकी बैटरी और एक एवरेज यूज में इसकी परफॉर्मेंस है। साइज वगैरह टैबलेट का यही होता है, आपको पता है बड़े बेजल्स हैं जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है लेकिन आपके सारे काम इजीली निकाल लेगा, और कैमरा भी डिसेंट है। अगर आपको घर के बच्चों के लिए चाहिए और घर में बच्चों को पोएम दिखानी है या वो कोई प्रोडक्टिव चीज कर पाए तो डेफिनेटली ये उनके लिए मोबाइल से तो बेहतर ही है। लेकिन कुछ पबजी प्लेयर्स आईपैड की खोज में निकलते हैं तो सर ये वो आईपैड नहीं है, इसका साइज भी अनकंफर्टेबल है, आपको थोड़ी मुश्किल होगी। पबजी वालों के लिए आईपैड मिनी 6 एक बेस्ट चीज़ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस में देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।